चलिए तो आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्ट ऑर्गेन को हम लोग पढ़ेंगे, वो होगा ओवरी। इसको हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। लिखिए फीमेल गोनैड्स दैट फॉर्म्स ओवा बाय द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस। फीमेल गोनैड्स that form ova by the process of oogenesis। ठीक है, जो भी वर्ड फंसेगा या तो अपने बुक से देख लो या डिक्शनरी से, जैसे ये वाला वर्ड फंसा तो वो फंसे है ना, तो गोनैड्स उसको बोलते हैं जो गैमेट बनाता है, जैसे मेल के केस में स्पर्म और फीमेल के केस में एग। स्पर्म एग आप तो समझ रहे हैं, तो फीमेल के केस में जो भी एग बनाता है उसको बोलते हैं गोनैड। तो कौन बनाता है? ओवरी, तो उसको बोले फीमेल गोनैड। उसी तरह मेल गोनेट कौन होगा? टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस बोलते हैं मेल गोनेट। तुम लोगों को इंग्लिश में तो बताया ही जाता है ये सब चीज, क्योंकि हम बिहार बोर्ड में जब मेरी बहन पढ़ी तो सब कॉपी में कागज देखे, तो उन लोगों को हिंदी में पढ़ाया गया मगर मैं ब्रैकेट में इंग्लिश भी लिखवाया जाता है। इंग्लिश तो तुम लोगों को आना चाहिए उतना बेसिक। खैर कोई नहीं। नेक्स्ट, वन पेयरिंग नंबर मतलब एक जोड़ा होता है, दो होता है ना, एक इस साइड में एक इस साइड में। वास्तव में डायग्राम बनाया, देखिए वन पेयरिंग नंबर नेक्स्ट पॉइंट, लोकेशन लोअर एब्डोमिनल रीजन। लोअर एब्डोमिनल रीजन लोकेशन मतलब कहां होता है? लोअर एब्डोमिनल रीजन पेट में नीचे के साइड। ठीक है, लोअर एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिन किसको बोलते हैं? पेट को। पेट को, पेट का रीजन ये इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें नीचे के साइड किधर? नाभि के तरफ, थोड़ा और नाभि से करके नीचे, लोअर एब्डोमिन। लोअर मतलब नीचे की तरफ, एब्डोमिन मतलब पेट वाला एरिया। नेक्स्ट पॉइंट, 2 to 4 centimeter इन लेंथ। 2 to 4 centimeter इन लेंथ, लंबाई कितना होता है अंडाशय का? 2 to 4 centimeter इन लेंथ। 2 to 4 centimeter इन लेंथ। नेक्स्ट, कनेक्टेड टू द फिल्मेंट, क्या लिखे थे? कनेक्टेड टू द पेल्विस, देखो कनेक्टेड टू द पेल्विस, कनेक्टेड टू द पेल्विस बाय
लिगामेंट। पेल्विस किसको बोलते हैं? नहीं पता? जहां पे सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है ना, उसके आसपास दोनों जांघ के बीच का जो एरिया होता है जहां सेक्सुअल स्ट्रक्चर, उसके थोड़ा मतलब नाभि से हल्का कम, ये जो कमर हुआ इससे हल्का नीचे और दोनों जांघ के बीच का जो स्ट्रक्चर था उसको पेल्विस बोलते हैं। ठीक है, याद रखना ये सब चीज, ये हर बार इसको इतना लंबा एक्सप्लेन करने के बजाय एक वर्ड काफी, तो पेल्विस याद रखिएगा। पेल्विस क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अच्छा, पेल्विस के अलावा एक चीज और जोड़ लो, पेल्विस एंड यूट्रस, यूट्रस से भी जुड़ा होता है। याद करो ये डायग्राम कुछ ऐसा था, यहां पे था ओवरी दादा, जो कि यहां से भी जुड़ा हुआ था अल्पा और यहां से भी था। तो पेल्विस मतलब पीछे से और इससे, यूट्रस से भी जुड़ा हुआ है और पेल्विस रीजन में भी, मतलब ये जो पीछे वाला है उससे भी जुड़ा, किससे जुड़ा है? लिगामेंट से। लिगामेंट याद रखिएगा, लिगामेंट और टेंडन दो चीज होता है। ये ट्रिक याद है, बीएलबी, बोन टू बोन लिगामेंट, दो हड्डी को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं लिगामेंट। जैसे मान लो दो, एक हड्डी हुआ, यहां दो हड्डी होता, पता है ना, कभी कंकाल अगर देखे हो तो याद हो। अच्छा, यहां एक हड्डी, ये एक हड्डी और यहां का दो हड्डी, दोनों यहां पर जुड़ा हुआ, क्यों नहीं, एल्बो। अब ये जो ज्वाइंट है दो हड्डी को जोड़ने वाला, कोई चीज तो जोड़ा होगा, जो रबर की तरह तभी तो मोड़ रहा है, तो जो चीज जोड़ता है उसका नाम है लिगामेंट, उसी तरह टेंडन होता है। बोन टू मसल, हड्डी को मसल से जोड़ता है, हड्डी को मांस से, यहां के हड्डी को यहां के मांस से कुछ तो जोड़ा होगा, जो जोड़ा उसका नाम टेंडन। याद नहीं रहे ऐसे लिख लो, लिख लो, लिगामेंट बोन टू बोन जोड़ता है, ऊपर में कॉपी के ऊपर यहां लिखिए, लिगामेंट बोन टू बोन, बोन या ऐसे करो, लिगामेंट ज्वाइंट्स वन बोन टू द अदर, लिगामेंट ज्वाइंट्स वन बोन टू द अदर, ज्वाइंट्स वन बोन टू द अदर, टी ओ टू, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है, समझ गए? लिगामेंट ज्वाइंट एस, JOINS, एस करो, हाँ, तो लिगामेंट ज्वाइंट वन बोन टू अदर, लिगामेंट जोड़ता है एक हड्डी को दूसरे से, समझे? ठीक, तो सब याद रखना, थोड़ा थोड़ा चीज तुमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट ये सब लिखते लिखते आप थोड़ा पहले दिन दूसरे दिन से ज्यादा कंफर्टेबल धीरे धीरे होते जाओगे, जैसे जैसे तुम्हारे पास शब्द का भंडार जमा होगा तुम्हारे काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तुमको लिखवा देते सब कुछ। अगला पॉइंट देखो, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय एपिथेलियम, इज कवर्ड बाय एपिथेलियम, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय एपिथेलियम विच इंक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय एपिथेलियम, each ovary is covered by epithelium which encloses the ovarian stroma, each ovary is covered by epithelium which encloses the ओवेरियन स्ट्रोमा, हाँ स्ट्रोम बताते हैं, अभी डायग्राम बना कर सकते हैं। ठीक है, दो मिनट। अगला पॉइंट, द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, पहला पेरिफेरल कॉर्टेक्स, फर्स्ट लिखो पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, इसमें लिख दो पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा इनर
मेडुला, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द मटेरियल्स इनसाइड द ओवरी, ऑल द मटेरियल्स इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड, ऑल द मटेरियल्स इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड स्ट्रोमा और ओवेरियन स्ट्रोमा, इज कॉल्ड स्ट्रोमा और स्ट्रोमा मैट्रिक्स, सॉरी इज कॉल्ड स्ट्रोमा और स्ट्रोमा मैट्रिक्स, इज कॉल्ड स्ट्रोमा और स्ट्रोमा मैट्रिक्स, हो गया, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, जर्म सेल्स ऑफ ओवरी, जर्म सेल्स इसको बोलते हैं, बताया था, हाँ शुक्राणु भी जर्म है, किसके लिए, मेल में, फीमेल में जर्म सेल कौन है, एग, अंडा, ओवरी, ओवरी नहीं अंडा, एग, ओवरी तो एक बनाता है, ओवरी फॉर्म्स का है, वो एक बनाता है, खुद अंडा थोड़ा ना, वो खुद फर्टिलाइज थोड़ा ना होता, जर्म सेल उस सेल को बोलते हैं जो बाद में आइदर स्पर्म बनाए या फिर एक बनाए, इन डिपेंडिंग अपॉन द केस, अगर मेल है तो क्या बनाएगा, स्पर्म, और फीमेल है तो क्या बनाएगा, एग, समझ रहे हो, तो जो सेल, जैसे मान लो एक छोटा सा सेल है बच्चे में, अब मान लो कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट हुई, अभी उसमें प्रेगनेंसी कितने दिन का होता है, 9 मंथ, तो 9 मंथ में मान लो दूसरे मंथ में या तीसरे मंथ में ये डिसाइड हो गया कि वो मेल है या फीमेल है, फीटस ऐसा हो गया, उसके बाद उसके अंदर कोई तो सेल होगा जो बाद में मेल के केस में स्पर्म बनाएगा और फीमेल के केस में एक बनाएगा, कोई तो होगा, तो वो सेल जो पहले एग या स्पर्म नहीं है, वो बस एक सेल है जो कि बाद में एग या स्पर्म बनाए, वो सेल जो बाद में एग या स्पर्म बनाए उस सेल को क्या बोलते हैं, जर्म सेल, वो सेल जो बाद में एग या स्पर्म बनाए उसको क्या बोलते हैं, जर्म सेल, चलिए तो उसको ऐसे लिख सकते हो, द पोटेंशियल गैमेट, द पोटेंशियल गैमेट, पोटेंशियल गैमेट मतलब जो गैमेट हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए जर्म सेल ऑफ ओवरी गेट्स मल्टीप्लाइड इन अर्ली स्टेज, जर्म सेल ऑफ ओवरी गेट्स मल्टीप्लाइड इन अर्ली स्टेज, जर्म सेल ऑफ ओवरी गेट्स मल्टीप्लाइड इन अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज को बगल ब्रैकेट में फीटल स्टेज, देखो यहां दो चीज, अगर हम बात करें किसी मेल का, तो मेल में क्या होता है कि जब कोई बच्चा एडोलेसेंट होता है, मतलब जब वो वयस्क होना शुरू होता है, कितने साल में, अगर लड़के का बात करें तो कितने साल के बाद उसके अंदर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी आ जाएगा, 14-15 साल, ठीक है, 14-15 साल के बाद वो पहली बार इस लायक होता है कि मतलब रिप्रोडक्शन कर सके, और कोई फीमेल कब, सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 10th level का क्वेश्चन है, बताओ वो एज जब पीरियड चालू हो कब होता है, 13 साल, दैट्स इट, तो फीमेल में 13-14, मेल में 14-15, फीमेल पहले मैच्योर होती है रिप्रोडक्टिवली, मेल बाद में होता है, तो होता ही है कि कोई भी लड़का मेल जब 14-15 साल का हो जाए, मतलब जब वो एडोलेसेंट हो जाए, उसके बाद उसके बॉडी में जो सेल था जर्म सेल स्पर्म बनना शुरू होता है, ठीक। अब ठीक इसका उल्टा, किसी फीमेल में उसके जन्म से पहले ही, मतलब जब वो मां के गर्भ में थी, जब वो वम में थी, मदर्स वम में, तभी ऑलमोस्ट 5वां-6वें महीने में क्या होता है कि उसके, देखो जर्म सेल बन गया 2वां-3वां महीने, वो जर्म सेल 5वां-6वें महीने में उसके जन्म से पहले ही अंडा में कन्वर्ट हो जाता है। मेल में कब हुआ था, जब मेल मैच्योर हुआ उसके बाद, और फीमेल में कब हुआ,
जन्म से पहले इन फीटल स्टेज में, फीटल स्टेज में ही किसी फीमेल में कितना एग सेल होगा वो फिक्स हो जाता है, उसके बाद पूरे जीवन में कभी भी एग नहीं बनता। और वही एग हर मंथ यूज हो रहा होता है, हर मंथ उन्हीं में से कोई एग निकलता है मैच्योर होकर, पूरा कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है अंडे में, उसके पहले वो समझ लो पैक फॉर्म में रखा था। जैसे मैगी कैसा है, यप्पी वाला, उसमें देखते हो कि सब्जी भी होता है कुछ कुछ यप्पी वाले में, तो सब्जी तो हम तो काट के डालते नहीं, कहां से होता है, मसाले में पैक फॉर्म में होता है, आप उसको जब पकाते हो तो फाइनली सब्जी के फॉर्म में दिखने लगता है, मसाला देखोगे तो सब्जी नहीं दिखेगा, है ना। एग्जैक्टली ही कुछ ऐसा वहां होता है, पहले से एक होता है लेकिन वो मैच्योर्ड फॉर्म में, कंप्लीट फॉर्म में नहीं होता। हर मंथ अल्टरनेट ओवरी से कितना ओवरी होता है फीमेल में बोलो, कितना होता है, डायग्राम कर लेते कितना अंडा से था, वापस देखो कोई दिक्कत नहीं सीखना ही तो, देखो कितना ओवरी कितना, देखो इतना सा तो डायग्राम है, हाँ सिर्फ एक दो दो होता है। और तुमको पता है दो ओवरी में से हर मंथ अल्टरनेट, जैसे मान लो पहली बार वाला लेफ्ट साइड से अंडा आया इस महीने, तो अगले महीने अंडा इससे नहीं आएगा, इस वाले से आएगा, फिर अगले महीने इससे आएगा, फिर अगले महीने इससे आएगा, मतलब ऐसे कर करके आता रहता है। और वो अंडा बन के आता है क्या, अंडा तो जल से पहले बन चुका होता है, वो बस प्रोसेस होकर बाहर निकलता है, मैच्योर होकर बाहर निकलता है। और चूंकि पूरे जीवन में उसके बाद नया सेल नहीं बनता, इसीलिए 50 के आसपास, सुनोगे 45-46 के आसपास किसी भी फीमेल में पीरियड्स खत्म हो जाता है। कारण क्या है, एग ही खत्म हो गया, तो एग ही नहीं है तो क्या पीरियड्स आएगा, पीरियड्स पता है क्लास में क्यों आता है, मदर का वॉम्ब पोटेंशियल प्रेगनेंसी के लिए खुद को रेडी कर रहा होता है। अब प्रेगनेंसी का चांस ही नहीं है तो वॉम्ब क्या खुद को रेडी करेगा, नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो ब्लड प्रेशर नहीं जमेगा, ब्लड प्रेशर नहीं जमेगा तो खुद कर गिरेगा भी, पीरियड्स नहीं है, समझे बात। तो क्या लिखे थे, अर्ली स्टेज या फीटल स्टेज एंड रिमेन इनसाइड द ओवरी, एंड रिमेन्स इनसाइड द ओवरी, ओवरी रिमेन्स इनसाइड द ओवरी, ओवरी के ही अंदर होता है, बाहर नहीं निकलता वो। उसके बाद जब कोई फीमेल जब एडोलेसेंट हो जाती है 13-14 साल, उसके बाद क्या होता है कि उसके बॉडी में हर मंथ अल्टरनेट ओवरी से एक एक आता है, और अगर मेटिंग हुआ तो प्रेगनेंसी होगा, नहीं हुआ तो वापस से मेंस्ट्रुअल फॉल के फॉर्म में समझ लिया जाए, ठीक। मतलब जो पीरियड्स आता है हर मंथ उसमें एक एक अंडा भी होता है, मतलब बात सिर्फ ब्लड नहीं होता उसमें एक भी होता है। चलिए अगला पॉइंट, एट प्यूबर्टी प्राइमरी फॉलिकल, से पिछले पॉइंट में क्या लिखे थे, रिकॉर्ड पढ़ो तो लास्ट वाला पॉइंट, जर्म सेल ऑफ ओवरी गेट्स मल्टीप्लाइड इन अर्ली स्टेज, नहीं लिखी तो पूछना था, नहीं लिखी तो पूछ लेना था ना बाबू, जर्म सेल्स ऑफ ओवरी गेट्स मल्टीप्लाइड इन अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज उसी को बोले फीटल स्टेज, एंड रिमेन्स इनसाइड द ओवरी इन, इसमें लिखो इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, लास्ट वाले पॉइंट में ऐड कीजिएगा, इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स ईटीसी कर रहे, बहुत सारा होता है हम बस आपको एक बता रहे, बहुत सारे फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। तो समझ गए ना प्राइमरी फॉलिकल क्या है, जो पोटेंशियल जर्म सेल होता है वो एक में कन्वर्ट हुआ और फाइनल प्रोसेसिंग नहीं होता है, कुछ पहले के स्टेज में उसको रोक दिया जाता है एक प्राइमरी फॉलिकल में। अब ये प्राइमरी फॉलिकल जब प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ, मतलब जब कोई फीमेल 13-14 साल की हुई, उसके बाद ये कोई एक प्राइमरी फॉलिकल उठेगा और वो फिर धीरे धीरे प्रोसेस होकर कन्वर्ट होगा एग में और बाहर निकल जाएगा। चलिए तो प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपमेंट अंडर एट प्यूबर्टी, प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपमेंट अंडर स्टार्ट्स डेवलपमेंट प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपमेंट अंडर
द इंफ्लुएंस ऑफ मतलब असर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एफ एस एच, ये एक हॉर्मोन का नाम है जिसका नाम है पूरा नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। एफ एस एच का पूरा नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। देखो किस एफ एस एच का पूरा नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग क्यों? क्योंकि ये फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है मैच्योर होने के लिए। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल के फॉर्म में था अभी वो अंडा, उसको मैच्योर होने के लिए स्टिमुलेट, मतलब कौन बोल रहा है? एफ एस एच ये हार्मोन है क्या? ये हार्मोन है, हाँ एफ एस एच ना, हाँ ये हार्मोन है, हार्मोन है। हमारे ब्रेन के पास एक ग्लैंड होता है, वहां से रिलीज होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अगर तुमसे कोई पूछे कि कोई फीमेल है तो उसके फीमेल में कौन सा हार्मोन होगा स्पेशल जो मेल में नहीं होता, तो उसमें एक नाम एफ एस एच का भी आएगा। यूं तो ये मेल में होता है थोड़ा सा, बट उसको रोक के रखा जाता है। कई बार देखते हैं कि कोई कोई मेल ऐसा होता है जिसमें छाती पे थोड़ा सा ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, इसका मतलब ये कि उसके बॉडी में एफ एस एच का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा, उसी तरह कई बार कुछ फीमेल का क्या होता है, दाढ़ी मूंछ हल्का हल्का नोआ थोड़ा दाढ़ा हो जाता है, इसका मतलब ये कि उसके शरीर में मेल हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन थोड़ा ज्यादा है। जैसे एफ एस एच फीमेल हार्मोन है, उसी तरह मेल हार्मोन क्या नाम है उसका? इतना खतरनाक नाम ले लीजिए, पढ़ो टेस्टो एस्टेरोन। देखो टेस्टो एस्टेरोन है, टेस्टो एस्टेरोन, टेस्टो एस्टेरोन मेल हार्मोन है, उसी तरह फीमेल हार्मोन कौन है? एफ एस एच। आगे बढ़े, नेक्स्ट, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एफ एस एच, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एफ एस एच प्राइमरी फॉलिकल्स गेट कन्वर्टेड इनटू इंफ्लुएंस ऑफ एफ एस एच। ये वाला पॉइंट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एफ एस एच कितना तो लिखा हुआ है, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एफ एस एच प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एफ एस एच प्राइमरी फॉलिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, सिर्फ सेकेंडरी, प्राइमरी फॉलिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी फॉलिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी टर्शियरी एंड लास्टली ग्राफियन। सेकेंडरी का स्पेलिंग पता है ना? सेकेंडरी टर्शियरी एंड लास्टली ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, पहले डायग्राम बनाएंगे और ओवरी खत्म कर देंगे। इसे तो कल थोड़ा ओवरी में आधा बचा हुआ, अरे लगातार कॉलेज से आ रहे बच्चे, घर जा ही नहीं पा रहे, घर जाएंगे तब बैग इतना भारी हो जाता है कॉलेज वाला कि उसमें डाल नहीं पाते, सिर्फ एक कॉपी का जो वहीं छोड़ देते हैं, नहीं जाते। समझ दो ना कि आज वेडनेसडे हो गया ना, फ्राइडे को ला पाए तो ठीक, फिर तो संडे को एक बार को मैसेज करके याद दिला दे, क्योंकि तो घर में रहेंगे पक्का। संडे को मॉर्निंग में होगा, हाँ उसका टाइम हम बताएंगे, कन्फर्म करेंगे।